पहले स्वीट फिर अंडे, आज भाड़ोतरी और कल हाथ में कटोरी। अबे जा रे गुरु, क्या हो गया मैं क्या करूं, मेरी बीवी तो जिंदा है। चल भैया, टल्लू पहलवान की बीवी मर गई तो मैं बबलू, मेरे नाक में दम करने के बजाय गांव में जाकर मेरी तरह इज्जत कमा लेना। मुझे लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं, इज्जत कहां से कमाऊं? अरे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। क्या हुआ, एक दिन सोहन भैया की माँ मर गई, मैं उसके घर चला गया तो बेचारा रो रहा था, मैं उसके नजदीक गया। सोहन भैया मत रो, ये जो मरी हुई है ना वो सिर्फ तेरी माँ नहीं थी, मेरी भी माँ थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बस सोन भैया ने रोना बंद कर दिया और सारे गांव में मेरी इज्जत बढ़ गई। ऐसा तो कुछ कर ना। पर आज तो किसी की माँ ने मरी ना। अरे माँ नहीं मरी तो क्या, वो कल्लू पहलवान की बीवी तो मरी। समझ गया। कल्लू पहलवान के घर जाता हूँ, उसे दिलासा देकर आता हूँ। जल्दी जा। अरे बचेगा तो आएगा ना। मेरी बीवी मर गई। मेरी बीवी मर गई। कल्लू पहलवान मत रो, ये जो मर गई है ना सिर्फ तेरी बीवी नहीं थी, मेरी बीवी भी थी, इसकी भी बीवी थी, उसकी भी बीवी थी, ये सारे गांव की बीवी थी। बबलू ये क्या कर रहे हो? बिजली, एक विचित्र खुजली है बिजली, रात को पी थी ना, साली चढ़ी नहीं, इसलिए उल्टा होकर चढ़ा रहा हूँ। और तू ये क्या कर रहा है रे? रात को ज्यादा पीने से चढ़ गई थी, उसे उतार रहा हूँ। अरे निखट्टू, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, बेचारी उस रघु को देखो कितनी मेहनत करता है। खाक मेहनत करता है। हा? अरे चूल्हा जलता है तो खाना पकता है। जो काम मैं आग बंद करके कर सकता हूँ वो क्या आग खोल के कर सकता है? नहीं। अबे क्या बोला रे तू, क्या बोला? जो काम मैं आग बंद करके कर सकता हूँ तुम आग खोल कर ही नहीं सकते। अच्छा तो बता वो क्या काम है? ये क्या है? मिर्ची का पाउडर है। वाह तो बबलू वाह। और यही तुम आंखें खोल के कर सकते हो? कर सकता हूँ, जरा खड़े हो जाइए। तो करके दिखाओ गुरु। अभी करके दिखाता हूँ। गुरु तुमने हाथ ना उठाने की कसम खाई थी? हाँ खाई थी ना, लेकिन मैं हाथ कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो क्या हुआ? तू इस बावर्ची के नौकरी से हजामी अच्छी है, ये औरतें है मुसीबत है, कोई पुलाव मांग रही है तो कोई चिकन मांग रही है, कोई हलवा मांग रही है तो कोई मटन मांग रही है। कसूर इन औरतों का नहीं है, कसूर है इन हाथों का जिन्होंने अच्छा खाना बनाया। आज मैं ये हाथ काट के फेंक दूंगा। बबलू गुरु चक्कूला। बोलो गुरु कहां से काटू? यहां से ही। यहां से? अबे फुकनी के, मेरा पत्ता काट देना चाहता है मेरा हाथ काट के? चल जल्दी जल्दी से मुझे सामान दे दे। बोल आहिस्ता। बोल। तेल दे। तेल। प्याज दे। प्याज। मिर्ची। हाँ मिर्ची ले। चिमटा। जल्दी दो। अब उबले हुए बैगन, तूने मेरे हाथ का ऑपरेशन कर दिया, मैं तुझे चिंता नहीं करूंगा, खाता हूं तुझे मैं। घुस जा इसमें, घुस जा। अभी तो कहता हूं
बबलू बबलू, तू आज मेरे हाथ से छूटने वाला नहीं, तू जरूर मरेगा। बबलू कहाँ है बबलू? बबलू बबलू ये पिछवाड़ में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की फुहार है। शादी के बिना सब बेकार है। अरे अपन तो अभी तैयार है। ए, हाथ छोड़। ए, मुँह तो इधर मोड़। चल हट। ये क्या कर रही हो धोबन डार्लिंग? पहले मंगलसूत्र तो डाल, तेरी जिंदगी सवार दूंगी। ए, पहले एडवांस में पप्पी देना। ना बना, मैं तो चली तो अभी। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, पहले दे देना। नहीं दूंगी, मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा, मैं रुक जाऊंगा रुक जाऊंगा रुक जाऊंगा। तो रुक जा रुक जा रुक जा। क्या कर रहे हो? खुजा रहा हूँ। शादी से पहले खुजा नहीं सकते? हाँ। ये शादी कब होगी और ये खुजली कब जाएगी? तूने क्या किया? तूने मुझे मारा क्यों? तो तूने खुजाया क्यों? हाँ, मैं मेरा खुजा नहीं सकता? तू तेरा खुजा सकता है लेकिन मेरा नहीं खुजा सकता। हाँ तेरा अब। ए, लेकिन मैंने तुझे कब खुजाया? वारे वाह, तूने मुझे दो बार खुजाया। दो बार? हाँ। जिंदगी में इतनी बार ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक एक बार भी नहीं खुजाया। तुम झूठ? नहीं झूठ बोल रहा हूँ। अरे तू डांस क्यों कर रही है? क्या हुआ? कोई कीड़ा घुसा है अंदर। कीड़ा घुसा हुआ है? कीड़ा कीड़ा उतार दे उतार दे। अरे क्या कर रहा है? तू उतार दे, मैं कीड़े को मार डालूंगा। उतार उतार। कोई देखेगा तो? अरे कोई नहीं, इधर हम दोनों ही हैं। उतार दे है, उतार, उतार। कोई आएगा तो? अरे कोई नहीं आता, उतार ना उतार। कोई नहीं आता है? कौन देखे यहाँ पे? तुम हो, मैं हूँ, ये हम तीन है, कोई है और? हाँ, कोई नहीं है। एक तेरी तो? अरे खुजा रहा था और गाली खा रहा था। ओ कॉकरोच मिल गया। उतार उतार। पप्पी दे दे मुझे, ये ले एक पप्पी दे दे मुझे। ऑमलेट? ये ऑमलेट तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? ये ऑमलेट मेरी डार्लिंग बिजली के लिए है। फिर मेरे लिए है ना? तेरे लिए भी है। ये पकड़, ये टमाटो सॉस और ये मिर्ची। ये सॉस चाट ले और ये मिर्ची चूस ले। चाचा चाचा कहाँ है चाचा? चाचा चाचा कहाँ है चाचा? तू सचमुच पागल हो गया है? ये क्या कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाय राम, ये खून किसका है? जिस राज को मैं तुमसे छुपाना चाहता था, आखिर वो सामने आ गया। गुरुजी का खून है। क्या? उन्हें टीबी है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। नहीं मानती ना? नहीं। तो देख लो। बबलू, ये तो छूत की बीमारी है ना? टीबी टीबी। बेचारा, क्या करें, तुझसे प्यार भी तो करता है। सिर्फ मंगलसूत्र ही डलवा लेना, पप्पे पीने देना, टीबी है टीबी। छी छी, ना बबना, मैं तो उसको करीब भी ना आने दूँ। गुरुजी आ रहे हैं, डटे रहना। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। खा ले मेरी फूल 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 गोभी की फूल फूल
वैसे ही कितनी दूर उनसे है? 5 साल 3.5 महीने। बाप रे, पहले कभी बताया नहीं। हर रोज तो बताता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता। प्यार के बारे में नहीं, फिर बीमारी के बारे में। बीमारी? कैसी बीमारी? टीबी। किसको? तुझे। मुझे, मुझे, मुझे। क्या दिमाग है तेरा, वाह वाह। इसी झटके से वो मजनू की औलाद खास खास के सचमुच मर जाएगा। फिर मैं गुरु और तू मेरा असिस्टेंट। मगर ओए, हाँ बोल। जो गद्दारी मैंने उसके साथ किया ना, तू मेरे साथ नहीं करना। अरे ओ रामा, जरा इधर तो आओ। बोल बिजली, क्या करना है? तू मेरे एक काम करेगा? जरूर करूंगा। ये देख, ये लेके जाओ और रघु से पूछ के आओ कि वो ये मेरे गले में कब बांधेगा। पिछली एक बार करूं क्या? पानी इतना बता दे रघु, तू अरे ये बता दे तू कब पहना आ रहा है। मेरी बात लीजिए मालकिन, जरा दही लाना। आप ही लाए मालकिन। पिछली बता देना, काम करने परेशान कर रहा हूं। क्या हो रहा उधर, नाच क्यों रहे हो तुम लोग? मेरा कोई कसूर नहीं है मालिक, यही मेरे पीछे लगा हुआ है। माँ कसम मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। क्यों रे रामा, क्या बात है? कुछ नहीं मालिक, वो हमारी बिजली है ना, उसने ये पूछने को भेजा है कि रघु उसके गले में ये कब डालेगा। ये जवाब ही नहीं देता, उल्टा भाग रहा है। ए रघु, बोल कब डालेगा। हाँ? हो गया सत्यानाश, हो गया। ए? जी मालिक। इधर आओ। ए! तुम अंदर जाओ। रघु। जी माली। तुम जानते हो उस हवेली में एक जवान लड़की रहती है? जी माली। यहाँ ऐसा नाटक नहीं होना चाहिए। जी जी माली। और अगर दोबारा ऐसा हुआ जी माली, तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। जी माली। समझे कि नहीं? ना समझने की क्या बात है, अगर हाथ कट जाए तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तो मैं भीख मांगूंगा, लेकिन भीख भी कैसे मांग सकता हूँ, मेरे हाथ भी चले गए तो टांग से भीख मांगूंगा। ये रघु की वजह से मुझे इतनी गालियां पड़ी, इतना डरपोक है, बात बात पर डरता है। ठीक है, तुझे ये धागा बनवाना जरूरी तो मैं बांध देता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या करता है, तुझे इसका पता नहीं है? क्या भक्ति है, धागे और रस्सी के बारे में मुझे पता नहीं? अरे बाप रे। अरे अपने गांव के सारे बछड़ों को कौन नकेल डालता है रामा? अपने गांव के सारे बिगड़े बैलों को कौन नकेल डालता है रामा? आज मैं तुझे भी डाल देता हूँ। अरे क्यों डरती है, ला मैं तेरे डाल देता हूँ। मेरे बाप, ये नकेल की रस्सी नहीं है, ये गले की रस्सी है। गले की रस्सी? मुझे नकेल की रस्सी का पता है, लेकिन गले की रस्सी क्या है? ए मेरे बाप, ये सब जानने की तुझे कोई जरूरत नहीं, अब तक जो हुआ वो काफी हो गया। मैं कल तेरे लिए मालपुआ और पुलाव बनाऊंगा, लेकिन अब तू जा। सच्ची? तेरे दादाजी की कसम, जा। भूलना मत। नहीं भूलना। पुलाव पुलाव पुलाव, जा जा जा। उफ। अब एक ट्यूबलाइट, ये मंगलसूत्र भेजने के लिए तुझे यही अनाड़ी मिला था क्या? इसकी कोई बड़ी या छोटी बहन होती तो उसे पता चलता मंगलसूत्र क्या है, शादी क्या है। बाप रे, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो गजब हो जाता। नहीं, ये नहीं चलेगा, हम दोनों कल ही शादी करेंगे। ए, तुम अंदर नहीं जा सकते। छोटे राजा ने आने के लिए कहा था। क्या हो, पूछ के हो? ए, नमस्ते भाई राजा। क्यों रे, क्या बात है? कल मेरी मंगनी होने वाली है, छोटे राजा से थोड़ा रुपया मांगा था, उन्होंने कहा कि हवेली पे आके ले जाना। ठीक है, उसे अंदर आने दो। देख रहे, ऊपर देख। अबे ऊपर नजर मत उठा, वो भाई राजा की बहन है। क्या माल है गुरु। अबे चुप रह, जोर से मत बोल। उस लड़की पर किसी मर्द की नजर ना पड़े, इसीलिए ही सारा बंदोबस्त है। ऊपर मत देख। कसम से यार, 7 दिन 7 रात तक इस आंखें फाड़ के देखते रहो तो भी जी नहीं भरेगा। पता नहीं कौन साला ये तो भी मांग रहा है, ऊपर से हमारी बहन के बारे में बात करता है। साइकिल।
ए गंजे, जुबान पर लगाम ना देने का अंजाम देख लिया और तेरे साथ खामखा मैं भी मारा गया। फैक्ट्री में आज नया यूनिट शुरू होने वाला है, पता है ना उद्घाटन के लिए कौन आ रहा है? भाई राजा की बहन राजनंदिनी। कल ही सबको चेतावनी दी गई है, अगर किसी ने भी नजर उठाई तो उसकी खैर नहीं है। हमारे साथ जो हुआ है ना, आज के बाद अब किसी के साथ नहीं होगा। क्या मतलब? जिन लोगों ने मेरा सिर मुड़वाया, मूछें मुड़वाई, जिनकी वजह से मेरी मंगनी टूट गई, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करोगे? सजा देने वाले उन बड़े भाइयों की प्यारी बहना है ना, उसे खत्म कर दूंगा। भगवान भगवान, तेरी कृपा से मुझे लड्डू जैसी बीवी मिली और भाई राजा की कृपा से ये स्वीट मार्ट मिला। भगवान आज भी अच्छी बोनी करवा दे और शाम तक ये सारी दुकान खाली करवा दे। खाली कर दूंगा, आज तेरी दुकान ही खाली कर दूंगा गुरु की औलाद। भगवान जल्दी से अच्छा गिराज भेज दे ताकि मेरा माल खत्म हो जाए। तू वापस गिराया? जब से तुम्हारा साथ छोड़ा है कोई काम ही नहीं देता। अरे कौन देगा तुझे काम? छोड़, मुझे माफ कर दो। अरे मेरा पाँव छोड़, मेरा पाँव छोड़। पहले वादा करो मुझे नौकरी दोगे। ठीक है ठीक है, यहीं पे नौकरी करना और शाम को जो बचेगा वो खा लेना। क्या गुरु? एडवांस में एक लड्डू देना गुरु। देखा देखा, जैसे नौकरी मिली एडवांस एडवांस एडवांस। दीदी तुम सिस्टम है ना गुरु? अजी सुनते हो? क्या बात है जी? आटा गुन दिया है, आकर जरा रोटी डाल दो ना। हाँ, तू अंदर जाके तैयारी कर, मैं अभी आया। बबलू भैया बाय। ओ क्या है साली साहब, नई नई शादी हुई है ना, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। तुम यहाँ बैठ के मक्खियाँ हटा, मैं अंदर जाके चपाती परोसता हूँ, अभी आया। मैं यहाँ बैठ के मक्खियाँ मारू? मक्खियाँ? बबलू। हाँ, कोई आया था क्या? आए थे ना। कौन? मक्खियाँ। मक्खी मार डाला, मार डाला। अरे तू तो म्युनिसिपैलिटी में होना चाहिए था। क्या बात है, मार डाला, मार डाला। ए, कस्टमर आ गया, मक्खियाँ फेंक दे फेंक दे। आइए आइए, नमस्ते, क्या दूँ आपको? सारी मिठाइयाँ एक एक किलो बांधो। अब भी देता हूँ साहब, एक मिनट। ये लो शेठ जी, आपका सामान, 100 रुपया देना। ये लो ये लो, ये लीजिए 100 रुपया। आजू बाजू वाले को बोल देना हमारे दुकान का नाम ध्यान में रखना। वाह वाह बबलू, तू आने से मेरा धंधा हो गया, तू कितना शकुनी है रे। ये ले लड्डू खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं नहीं, खा ले। नहीं नहीं गुरु, नहीं, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। क्यों? दुकान का काम पूरा होने के बाद ही मैं लड्डू खाऊंगा। लग रहा है दुकान का सारा माल खत्म। मैं भी यही चाहता हूँ। सीधा खड़ा रे, सीधा खड़ा रे। ए, ओनर तू है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो क्लीनर है, असली ओनर तो आपके सामने खड़ा है। अभी जो भाई साहब मिठाई ले गए, उन्होंने आपको भेजा क्या? वो क्या भेजेंगे, वो तो तुम्हारी मिठाई खा के दुनिया से चल बसे। क्या मिलाया था रे मिठाई में? कुछ नहीं, वो शुद्ध गाय का शुद्ध घी। और ये फ्लिट भी, हटबल और मच्छर मारने की दवा। मारो सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।